हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। और इस इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर चल रहा है। एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ टॉपिक है डिस्कस करने को, वन बाय वन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। But before that, these are our contact details and these are available courses. These are study material, test series and advanced geography courses, जिसके लिए आप subscribe कर सकते हैं website के through जा करके, या फिर आपको अगर कोई doubt होता है तो आप email कर सकते हैं recognitionis@gmail.com पे। Syllabus wise अगर देखी जाए agriculture की, तो we have lot of things to discuss here. And the thing that we are going to discuss today is the significance of dry farming agricultural productivity. और जो क्रॉपिंग पैटर्न का टॉपिक है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। तो फटाफट शुरू करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एग्रीकल्चर बिजनेस, देखेंगे क्या कुछ है। अब जरा बात करते हैं पहले ड्राई फार्मिंग होती क्या है, होती क्या है, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज ड्राई फार्मिंग होती क्या है। तो ड्राई फार्मिंग होती है ये है, जैसे आप अगर पूरा ये इंडिया का मैप देखें, अगर ये इंडिया का मैप देखें तो इस तरीके से अगर हम लोग एक स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेते हैं, अगर एक स्कीमेटिक ड्रॉ कर लें तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अगर स्कीमेटिक देखें तो अगर हम लोग ऊपर के रीजन में आते हैं, ये रीजन, ये जो रीजन है क्या ये पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट आता है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के फॉर्मेट में है। लेकिन अगर हम लोग इस एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया हमारा, ये जो एरिया है ये हमारे नदियों से भरा पड़ा है, नदियों से है भरा पड़ा। अब जैसे यहाँ पे आपकी अच्छी खासी इरिगेशन, इरिगेशन अच्छी खासी हो रखी है सिंचाई के लिए, बहुत बढ़िया कि क्या चीज़ है, यहाँ पे पूरी की पूरी रिवर सिस्टम है, नदियाँ हैं, इस नदियों के कारण से क्या अच्छी खासी हमारी सिंचाई हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इस इलाके में आते हैं तो ये इलाका आ जाता है ड्रॉट का एरिया, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा, ये सूखा पीड़ित इलाका है। इसके अलावा एक एरिया आ जाता है इधर, ये जो दो इलाके हैं ये आ जाते हैं पूरे के पूरे हमारे सूखे इलाके। जो बचा हुआ नीचे का रीजन है, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर बहती हैं, नीचे पेनिनसुलर रिवर बहती हैं, पेनिनसुलर रिवर बहती हैं और ये आपको रेनफेड कर लेती हैं, मतलब एरिया को भिगो देती हैं। इधर महानदी वगैरह रहती है तो अच्छा खासा यहाँ पे इरिगेशन का एरिया है। लेकिन क्या इधर बीच में यहाँ पर भी एक इलाका है जो सूखा वाला इलाका है, जैसे इस इलाके में क्या आ जाते हैं, बुंदेलखंड वाला रीजन, बुंदेलखंड का रीजन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये बुंदेलखंड का रीजन, दूसरा ये थार वाला रीजन और तीसरा ये मराठवाड़ा वाला रीजन, ये तीन रीजन आते हैं जहाँ पे जो इलाका है वो एक्चुअली पानी के दृष्टिकोण से, मतलब सिंचाई की दृष्टि से, इरिगेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, पुअर है, बैकवर्ड है। इस बैकवर्ड होने के कारण यहाँ पे जो कृषि की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कृषि ऐसी बिल्कुल नहीं की जाएगी जहाँ पे आपकी जो इरिगेशन, मतलब जो सिंचाई की व्यवस्था हो वो ज़्यादा डिमांड करे। जैसे अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ पे कभी भी राइस उगाया जा सकेगा, नहीं। क्या यहाँ पे कभी भी शुगर केन, गन्ना उगाया जा सकेगा, शुगर केन उगाया जा सकेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे किस तरीके की फसल उगाएंगे, आप गेहूं उगा सकते हैं, इसके अलावा आप यहां पे उगाएंगे जितने भी तरीके की ऑयल सीड, तिलहन हो सकती है, तिलहन हो सकती है, या फिर मोटी क्रॉप सीरियल्स, सीरियल्स ज्वार बाजरा रागी जितने भी होते हैं ये सारा कुछ आप यहां पे उगा सकते हैं। तो ये इलाका जो होता है, ये इलाका जो ड्राई फार्मिंग का इलाका है जहाँ पर रेनफॉल प्रिसिपिटेशन लेस देन 75 सेंटीमीटर होती है, वही इलाके ऐसे आते हैं जहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। अब ये यहाँ पे एक तो सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या करते हैं कि आप किसी भी तरीके से या तो रिवर इंटरलिंकिंग करके या फिर कुछ और माध्यम के सहारे क्या करते हैं, पानी की व्यवस्था को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई लैंड एरिया क्या होता है, वहाँ पे किस क्या क्या मतलब उगाया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ की प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए
नंबर वन प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे जो सिंचाई है, जो वाटर है, वाटर किसके लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, वो उपलब्ध नहीं है। तो नंबर वन प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि यहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है। नंबर टू ये आ जाता है, सूखा बहुत पड़ता है, ड्रॉट रीजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूखा का प्रभावित क्षेत्र होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया होती है ये। इसके अलावा जो लोग कृषि भी करते हैं, जो लोग खेती भी करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि ये यहाँ पे जैसे ही ये कृषि करते हैं वैसे ही खरपतवार, वीड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से उग जाते हैं। अब जैसे क्या होगा, हल्कि अब वीड वगैरह को उगने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए ये आपका खेत है, यहाँ पे आपका खेत है, आपने क्या किया, प्लांटेशन कर रखा है, ठीक है, जो भी इलाका खाली बचता है उस इलाके में तुरंत वीड जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये आसपास की फसल को भी खराब कर देंगे, इससे प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, आपकी जो कृषि है वही खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वीड के लिए। इसके अलावा आपके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपकी विंड इरोजन के कारण से सॉइल खराब हो जाती है, विंड इरोजन के कारण से सॉइल हो गई डिग्रेड, सॉइल का इरोजन भी हो जाता है। इसके अलावा आपके अलग हाई टेम्परेचर, इसका सबसे बड़ा प्रभाव है, हाई टेम्परेचर होने के कारण से बहुत ही कम रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो ड्राई फार्मिंग को करते वक्त आती है। तो यहाँ के फार्मर आखिर करना क्या चाहिए, यहाँ के फार्मर को, अब देखिए यहाँ के फार्मर एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो नहीं पा रहा है, एग्रीकल्चर अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई तरह तरह की प्रॉब्लम, ये वाली तरह तरह की प्रॉब्लम। इसके साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये लोग कर सकते हैं पशुपालन। अब पशुपालन करने से फायदा क्या है, एक नंबर वन इनको एग मिल जाता है, इनको प्रोटीन मिल गया, इसके अलावा इनको मीट मिल जाता है, मीट मिलने के कारण इनकी अच्छी खासी मार्केट में एक फाइनेंशियल रिसोर्स स्थापित हो गई। इसके अलावा अगर ये गाय वाय रखे हैं तो मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, अब मिल्क के कारण बहुत सारे फूड आइटम आ जाते हैं, दूध, दही, घी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, कहीं ना कहीं ड्राई फार्मिंग में ये बोलता है कि फार्मर को मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर भी करना चाहिए और साथ में आपकी एनिमल हस्बेंड्री भी करनी चाहिए। तो ये थे हमारे ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए तरीके, ड्राई लैंड फार्मिंग के क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या काम किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई फार्मिंग, जरा देखते हैं थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में भी। हालांकि हम लोग एक वीडियो और देखेंगे, उसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं वो सारा कुछ मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार देखें कि क्या स्ट्रैटेजी रही है गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्राई फार्मिंग या फिर ड्राई लैंड के लिए क्या रहा है, यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या रहा है गवर्नमेंट का क्या रुख रहा है, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन रहा है। तो नंबर वन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए क्या आती थी, वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखिए वाटर अवेलेबिलिटी के लिए सरकार ने कहा कि देखिए हम लोग काम कर सकते हैं रिवर इंटरलिंकिंग पे, जैसे अभी हो रहा है ना केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, यहाँ से जो आपका बुंदेलखंड रीजन है इसको पानी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण से यहाँ पे सरकार कहती है कि देखिए रिवर इंटरलिंकिंग हम लोग करना तो चाह रहे हैं और कर भी सकते हैं लेकिन इन्वायरमेंट वाले लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग एक काम करिए, वाटर मैनेजमेंट की तकनीकी सीखिए। ये जो वाटर मैनेजमेंट होगा आप ये वाटर शेड के माध्यम से भी कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी को आप बचा करके पानी को अच्छे से उपयोग करिए, पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं।
और यहाँ पे ये तो हुआ वाटर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जब आप लोग कृषि करिए, जब आप लोग एग्रीकल्चर करिए, वहाँ पर एक काम करिए कि आप जो है कॉन्टूर बना बना करके खेती करिए, कॉन्टूर बना बना करके। कॉन्टूर का मतलब ये है मान लीजिए आपका कैचमेंट, मतलब ये है मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर की फील्ड, एग्री की फील्ड है, ये एग्री की फील्ड है। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हमने फसल बोई हुई है, ठीक है। तो आप ये कॉन्टूर बनाइए, ये मेड़ बनाइए इनके चारों ओर। इससे क्या होगा, पानी रुका रहेगा, देखिए लार्ज एरिया रहेगा, इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा। एरिया छोटा छोटा बनाएंगे, इवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा। अब इससे क्या है, देखिए ये इवेपोरेशन, ये अलग अलग कॉन्टूर बना दिया हमने। तो सरकार ने वही बनाया कि आप जो है कॉन्टूर बना बना करके खेती करिए। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो आपके बीज हैं, जो सीड हैं, वो हम लोग डेवलप करेंगे। कैसा डेवलप करेंगे, ड्रॉट ड्रॉट एरिया के हिसाब से, ड्रॉट एरिया के हिसाब से। मतलब एक ऐसी सीड हम लोग बनाएंगे जो कि कम सिंचाई वाले मतलब अवेलेबिलिटी के साथ, मतलब कम सिंचाई, उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, उसके साथ हम लोग ऐसा एक सीड बनाएंगे कि ये लोग इस इलाके में अच्छे से एक क्रॉपिंग पैटर्न दे सकें। इसके अलावा आपको क्या करना रहेगा, सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसको चेक करना रहेगा, सॉइल इरोजन को बचाना के रखना पड़ेगा आपको। जो सॉइल में सेलाइन हो जा रही है जिसके कारण से आपको बचा के रखना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन करिए, मतलब जंगलीकरण करिए, एफॉरेस्टेशन करिए। इससे क्या होगा कि वही सेलिनिटी रुकेगी, एफॉरेस्टेशन करेंगे इससे क्या होगा, आपकी सॉइल में जो इरोजन हो रहा है वो रुकेगा, विंड के कारण से जो जो चीज़ें खराब हो रही थी वो सब चीज़ें सही कर दी जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले हुए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले हुए हैं। ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करेगा कि हर हमारे यहाँ से एक बंदा जाएगा हर 3 साल पे, और आपके पास आपके जो लैंड है उसमें NPK जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना, नाइट्रोजन पोटेशियम और ये फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो चाहिए होता है ये बताएंगे कि आपको किस तरीके की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। इसके अलावा आप एक काम करिए, फर्टिलाइज़र के तौर पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब काउडंग, जो गाय के डस्ट, गाय के वेस्टेज होती है ना काउडंग, वो आप डालिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये काम, मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा हम रिसर्च को भी प्रमोट करते हैं जिससे कि ड्राई लैंड में जो फार्मिंग हो वो जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस के लिए एक नया सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्ट्रैटेजी की गई हैं सरकार के द्वारा। ये थी टोटल हमारी डिस्कशन ऑफ ड्राई फार्मिंग। इसके अलावा जरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब है नो डाउट एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, और प्रोडक्ट कैसा होता है इसके, नो डाउट ग्रेन्स आती हैं, फसलें आती हैं ना, क्रॉप्स। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ से आपका आउटकम कितना निकल के आया, आउटकम क्या निकल करके आया। मतलब अगर मान लीजिए मैं UPSC के आपके प्रिपरेशन की प्रोडक्टिविटी पूछूं तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही जीरो होगी। जीरो क्यों, प्रिलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। कुछ लोग की प्रोडक्टिविटी होगी 33%, क्यों, क्योंकि मेंस नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, प्रिलिम्स हो गया था। कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये है प्रोडक्टिविटी। तो आई बिलीव कि आप लोग को प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए जरा प्रोडक्टिविटी की इंडिया में बात करें तो आप ये बताइए, इंडिया में अगर हम लोग बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो आप ये बताइए इंडिया में जो हमारा नेट सोन एरिया है, नेट सोन का मतलब वो सारा एरिया जहाँ पे फसलें बोई जाती हैं, इस नेट सोन एरिया का क्या वर्ल्ड में हाईएस्ट रिकॉर्डेड एरिया आता है। मतलब इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देख लिया जाए तो उसमें हम लोग टॉप करते हैं। लेकिन इस हिसाब से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है
वो कैसी है, वो कैसी है? बहुत ही पुअर, बहुत ही ख़राब। मतलब हम लोग इतना बड़ा एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं, इतने बड़े एरिया में हम लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमारी जो ईल्ड निकल के आती है वो बहुत ही पुअर निकल के आती है। लेकिन विथ द टाइम, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, वाइट रिवोल्यूशन हुआ था, ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे हमारी क्या क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। इस इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रीज़न है? एक तो HYV सीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं, इसके अलावा हम लोग मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए नई नई व्यवस्था बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा मार्केट सपोर्ट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इन लोगों को ईजी लोन प्रोवाइड कर रही है, इसके बाद MSPs वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब फोकस में रख करके बनाए जाते हैं। तो ये सब मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, क्या रीज़न है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी। मतलब हमारी जो लो प्रोडक्टिविटी है उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए रीजंस क्या क्या हैं। तो अगर हम लोग रीज़न की बात करते हैं तो आप बताइए, सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? लैंड। लैंड हमारे यहाँ क्या होता है, पिताजी के पास था 40 एकड़, चार बच्चे सबके पास बना 10-10 एकड़, तो ये इसको बोलते हैं लैंड एलियनेशन। लैंड एलियनेशन कि भाई जो लैंड था वो फ्रैगमेंट हो गया, मतलब बहुत ही अलग अलग पार्ट में बट गया है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मर हैं स्मॉल या मार्जिनल लैंड वाले लोग बच गए हैं, केवल मैक्सिमम जनता स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड रखती है, ये मैक्सिमम जनता है। लेकिन जो लैंड है, जो मतलब एक पूरा अच्छा खासा लैंड है, लैंड अच्छे खासे मतलब मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी जो है अच्छे खासे अमाउंट में, क्या ये केवल और केवल फ्यू हैंड्स में है? कुछ लोगों के हैंड्स में है, केवल फ्यू हैंड्स में है, बिल्कुल। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्यू हैंड्स में होने के कारण बहुत तरीके की प्रॉब्लम निकल के आती है, जैसे आपका बंधुआ मजदूरी भी हो गई, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, तो ये सारी चीज़ें कई सारी निकल के आती हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, एक तो रेनफॉल डिफिशियंसी है, रेनफॉल डिफिशियंसी कि हमारे यहाँ जो डिफिशियंसी मतलब हमारे यहाँ जो रेन होती है, हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? रेनफॉल। अब रेनफॉल कैसी होती है? मानसून से। मानसून अपने आप में बहुत बड़ी टिकड़म है, बहुत बड़ी मैं कहूँगा डायलेमा है। और इसके अलावा आजकल एक नया नया कॉन्सेप्ट निकला हुआ है एल नीनो ला नीना का, जो हम लोग को और ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी, क्या पता। तो ये सारा जो है, अलग अलग प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए रीजंस है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर आपके क्या हैं कि अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा लैंड एक्विजिशन, नए नए तरीके के लैंड एक्विजिशन बिल आ रखे हैं, उसके थ्री क्या होती है, नेट सोन एरिया जो है वो कंटिन्यूसली घटता जा रहा है, नेट सोन एरिया कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। और इसके बाद हमारे ग्रामीण इलाके में लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, काटो भाई, डिफॉरेस्टेशन करो, काटो, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करो, काटो पीटो उगाओ उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये जो चीज़ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेना, और ये इस तरीके की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो सारे कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी को जन्म देते हैं। इसके अलावा आपके सॉइल डिग्रेड हो जाना, अब सॉइल डिग्रेड होने के पीछे रीज़न क्या है, एक सैलाइन सॉइल हो जाना, विंड इरोजन हो जाना, विंड इरोजन के कारण से। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से जो हमारी प्रोडक्टिविटी बनी हुई है वो बहुत ही लो बनी हुई है। अच्छा, इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो रीज़न का उल्टा सॉल्यूशन। तो जहाँ पे जैसे लैंड है, लैंड के लिए लैंड एलिनेशन, मार्जिनल, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए सरकार को, सरकार अधिक से अधिक यहाँ पे ये कर सकती है कि
इनको फिर से कम्युनिटी वाइज डिवाइड करे, कम्युनिटी वाइज डिवाइड करे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाए। अब जैसे क्या है, मान लीजिए कि एक भाई है, उसकी ज़मीन एक यहाँ पे है, दूसरी ज़मीन इधर है। अब ये सरकार क्या कर सकती है, बगल वाले के बात कर ले और कहे कि भाई एक ही जगह पे दे दो, ताकि ये क्या करे, वीट अगर मान लीजिए गेहूँ भी उगो रहे हैं तब ये और ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से कर पाएँ और ज़्यादा ये इंटेंसिव कल्टीवेशन कर पाएँ। तो ठीक, ये काम किया जा सकता है, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म लाया जा सकता है, लैंड रिफॉर्म लाया जा सकता है। इसके बाद जो ये रेनफॉल डिफिशियंसी है, इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था का पूरा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सिंचाई के साथ साथ हमारे पास वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होंगे जो कि रेनफॉल डिफिशियंसी को कम कर रहे होंगे। क्या क्या करना होगा आपको, वाटर का मैनेजमेंट करना रहेगा, ये सारा काम करना रहेगा। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जंगल लगाइए, फॉरेस्टेशन करिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी लैंड भी अच्छी बनी रहेगी, सैलाइन जो ये वाली चीज़ हो रखी है ये भी सही हो जाएगा, वाटर भी आपका अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप जो है एज अ सॉल्यूशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दिक्कतें हैं उसको आप सॉल्व करिए, क्रेडिट आप प्रोवाइड करिए जो भी फार्मर हैं, ताकि वो इजी क्रेडिट, इजी लोन ले करके अपना जो कल्टीवेशन, अपनी जो फार्मिंग करनी है, अपनी जो किसानी करनी है, वो अच्छे से कर सकें। स्टोरेज की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फूड स्टोरेज है उसके कारण से हमारी फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसके कारण से कई बार क्या होता है, जो मान लीजिए 20 रुपये किलो अगर प्याज मिल रही होगी, 100 रुपये पर पहुँच जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अर्बनाइजेशन, इसमें हमें जो लैंड एक्विजिशन की जा रही है उसको अच्छे से करना चाहिए, उसको मतलब कि प्रॉपरली चेक करके करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके नेट जोन एरिया को ही किया जाए, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन सा फैलो हो गया है, कौन सी ज़मीन ख़राब हो गई है, कौन सी ज़मीन ऊसर हो गई है, कहाँ पे पास्चर है, ये सब चीज़ें देख करके तब जा करके आपको ये मतलब अर्बनाइजेशन का काम करना चाहिए। कभी भी आपके एग्रीकल्चरल लैंड को कभी आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आगे जा करके हमें कॉस्ट करेगी, और ये कॉस्ट तो आप देख ही रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक बच जाता है, नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चरल बिजनेस, कुछ नहीं है। जैसे कि आपका, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर बिजनेस की। एग्रीकल्चर बिजनेस में अब देखिए, एग्रीकल्चर मतलब जो कुछ भी यहाँ से प्रोडक्ट आया, एग्रीकल्चर का जो कुछ भी प्रोडक्ट आया, और उसका अगर आप बिजनेस कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट का जब बिजनेस कर लेंगे, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल बिजनेस। अब जैसे इसमें बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं, एक नंबर वन कि आप यहाँ पे जो भी आपके फूड क्रॉप आए हुए हैं उसका बिजनेस करिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लावर का करते हैं, ऑयल का करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे टोबैको का होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ पे ये लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं। बाकी जैसे आप हनी बी के द्वारा हनी का प्रोडक्शन कर लेना, या फिर आपके मत्स्य का मतलब मरीन फूड का कर लेना, या फिर आपके जितने भी पशुपालन के कारण से मीट हो गया, मीट के बाद आपका मिल्क हो गया, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एटसेट्रा, इसके कारण से जो चीज़ें, ये जो बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल बिजनेस, मतलब एग्रीकल्चर फॉर कॉमर्शियल पर्पज, मतलब एग्रीकल्चर फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो ये चीज़ें थीं जो आपकी कल्चरल पर्सपेक्टिव से काम कर रही थीं। अब जरा एक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, MS स्वामीनाथन ने एक्चुअली एग्रीकल्चरल बिजनेस को लेकर के एक रिकमेंडेशन दी थी। स्वामीनाथन ने एक रिकमेंडेशन दी थी, ये रिकमेंडेशन मैंने आप लोग को पीडीएफ में शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, तो मैंने पीडीएफ वगैरह ये शेयर कर देनी है।
अच्छा, इसमें रिकमेंडेशन के तौर पे हम लोग देखें अगर कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दी हैं, तो देखिए रिकमेंडेशन थोड़ी आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। एक रिकमेंडेशन इनकी थी असेट रिफॉर्म, असेट रिफॉर्म। असेट रिफॉर्म का मतलब क्या है? तो पहली बात, असेट क्या होते हैं? असेट एक तो आपकी फील्ड, खुद की फील्ड हो गई, मतलब सॉयल वहाँ की, फर्टिलिटी वहाँ की, जो ये सारी चीज़ें होंगी फील्ड से रिलेटेड। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल पशुपन, एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है, ये जो पशुपालन है तो इसके लिए आपका जानवर का भी अच्छा रहना, तो जानवर जो भी रहेगा उसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए, लैंड वाटर, ये सारी चीज़ें असेट को रिफॉर्म करने के लिए है। तो ये आपका नंबर वन रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप एक काम करिए, फार्मर फ्रेंडली सर्विस बनाइए, फार्मर फ्रेंडली सर्विस बनाइए। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रेनिंग दीजिए लोगों को कि भाई किस तरीके से आप साइंटिफिक फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को कम यूज करके आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, कि भाई इनके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो तब तक ये कहाँ से कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं जिसके कारण से जो एक टेंडेंसी होती है फार्मिंग करने की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, तो इस वजह से क्रेडिट एंड इंश्योरेंस दिया जाए। इसके बाद आपका रिमुनरेशन होना चाहिए अच्छा, मतलब रिमुनरेशन का मतलब क्या होता है? रिमुनरेशन का मतलब ये होता है कि आपने सपोज़ 50 रुपये में कोई आइटम लिया था और उसको आपने 50 रुपये का मान लीजिए सीड लिया, जो बीज लिया, उसको बोया, उसकी रखवाली किया, बनाया, पौधा बनाया, तो इस तरीके से जो आपने गेहूँ निकाला उसका एक अच्छा खासा रिमुनरेशन, उसके लिए अच्छी खासी एक अमाउंट मिले, तो यही होता है रिमुनरेशन, वो एक अच्छा आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो डिलीवरी हो सर्विसेज की वो अच्छी हो, डिलीवरी ऑफ सर्विस अच्छी हो। जो आपने पीडीएस देना है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो। मतलब जैसे आज के डेट में क्या होता है, पीडीएस के लिए एक गांव, जैसे मान लीजिए आपका राशन कार्ड है, उसके थ्रू क्या होगा, आपको उसी दुकान उसी एरिया में जाके लेना पड़ेगा। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब कि कहीं पे रहिए अपना पीडीएस कार्ड दिखा करके आप कर लीजिए, जैसे आज की डेट में है ना, आधार को दिखा करके आप पीडीएस ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी करने को इन्होंने बोला। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है किस लिस्ट में आती है बताइए, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आती है, स्टेट। इसको उन्होंने बोला कि इसको हटा करके आप ले आइए कनकरेंट में, आप ले आइए कनकरेंट में, समवर्ती सूची में ले आइए। इससे क्या होगा, सेंटर भी मॉनिटर कर पाएगा, सेंटर भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो काम कर सकेगा। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये आप स्थापित करिए, मतलब बोर्ड, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक बोर्ड स्थापित करिए, जो कि क्या होगा, फूड सिक्योरिटी को चेक करेगा। अब फूड सिक्योरिटी जितनी अच्छी रहेगी, नो डाउट इसका बैक इंपैक्ट तो जाएगा ही जाएगा, मतलब फूड सिक्योरिटी अच्छी बनाने के लिए आप फार्मर को उसका एमएसपी बढ़िया देंगे, एमएसपी बढ़िया देने के लिए फार्मर क्या करेगा, उसके लिए एक बिहेवियर, उसके लिए एटीट्यूड अच्छा बना रहेगा कि चलो भाई ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई एग्रीकल्चरल बिजनेस में स्वामीनाथन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, ये सारी चीज़ें आई बिलीव आप लोग को ये समझ में आया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, काफ़ी कुछ डिटेल में हम लोगों ने देखा। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो आप इन चैनल्स का यूज़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।